तंदूरी चिकन बनाती हूँ, जिसे हम चिकन रोस्ट कहते हैं, और अगर मूड खराब हुआ तो ह्यूमन रोस्ट करती हूँ। मैं रोस्टिंग में बहुत अच्छी हूँ। By the way, ह्यूमन रोस्ट क्या है? ये शेफ विक्रम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। आज भी लेट होगा आई एम श्योर। ये शेफ विक्रम ना हमेशा लेट होता है। मैं यहाँ यहाँ तो खाना बनाते बनाते लोगों को पकाना भी शुरू कर दिया। हाय, मैं हूँ शेफ विक्रम। शेफ विक्रम जो वैसे तो दो मिशन स्टार है, लेकिन एटीट्यूड में फुल ढाबा वाला। खाना ढाबे का जैसे होता है। वैसे बात बताओ, मैं ग्रीन रूम में तैयार बैठा था, तुम्हें अगर एक ये जैकेट ही पहननी थी तो इतना टाइम क्यों लगा? मैंने टाइम लगाया? नहीं, तुम्हारे पड़ोस ने लगा। अरे यार, कोई इनको थोड़ा ठंडा शंडा पिलाओ ताकि इनकी बोलती बंद हो। बहुत बोलते हैं। हाँ, बातें तो कोई तुमसे करना सीखे। वैसे आज ना तुम ना पीले, लास्ट टाइम जब पिया था तो पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैंने पिया था? लास्ट टाइम जब मैडम ने पिया था तो मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, झड़ गई थी मैडम को। ओ मियां, मेरी शक्ल में मत जाओ, भोपाली हूँ, जहर भी पिलाओगे ना तो चढ़ेगी नहीं। बहुत स्टेइंग पावर है मुझ में। दिखाऊं क्या? एक काम करो, आज तुम दिखाई दो अपना। दिखा दूं? हाँ, सब बैठे देखिएगा यहाँ पे, यहीं पर अपना स्टेइंग पावर दिखाओ। नहीं दिखाती, जाओ। डर गई? नहीं डरी नहीं। हाँ तो फिर डराने आई हूँ। हाँ डराओ। स्टेइंग पावर इनका चेक करेंगे आज। मेरा? जी हाँ। बिंदास लड़का बड़े स्टाइल में आया था, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं। ओके। जल्दी जल्दी जो भी मन में आए बोल देना। ओके। ठीक है, पहला वाला सवाल, एक्टिंग किसकी अच्छी लगी इस पूरे शो में? ऑब्वियसली मेरी भी नहीं लगी, तुम्हारी भी नहीं लगी। इस शो में सबसे अच्छी एक्टिंग की है चक्कू और छुरियों ने, बड़ा अच्छा बिहेव किया, नहीं तो किसी के हाथ से किसी के गले तक पहुंच जाता। बकवास सवाल पूछो तुमने दिया यार, पर ढंग का पूछो ना। छोटे छोटे सवाल का इतना मतलब जवाब कौन देता है? मैं। देखो सवाल छोटे हैं तो छोटे छोटे जवाब दीजिए। ओके। येलो से क्या याद आता है? खीर में केसर, टिकिला में नींबू। आपकी फेवरेट कुकिंग स्टाइल? खाना ना मैडम, यहाँ से नहीं, यहाँ से बनता है। तो है, सीख रही हूँ आपसे। अच्छा अगला सवाल, फॉर यू फूड इज लव एंड लव इज यू। तो ये है हमारी लव स्टोरी, शहद जैसी मीठी और मिर्ची जैसी तीखी। थोड़ी बहुत आंसू, काफी कुछ इश्क, बड़ी बड़ी मसालेदार सी है हमारी ये प्यारी सी कहानी, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला। जरूर देखिएगा।